हेलो फ्रेंड्स, आज हम 31 जुलाई का न्यूज देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज इसको कवर करेंगे हम। और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। इसमें पहला जो हम आर्टिकल देख रहे हैं वो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया है। इसके क्या क्या मेन्स प्रोविजन इसको हम देखेंगे। ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जैसे कि आप देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज फॉर टाइमली इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर इंटरेस्ट को और मजबूत करने के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। ये जो है आपका, ये इसमें इसके अंदर प्रोविजन है कि एक अथॉरिटी सेटअप की जाएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि प्रोटेक्ट करेगा राइट्स को कंज्यूमर को, और उसको वो साथ ही साथ उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा या इन्वेस्टिगेशन का पावर होगा अगर कोई कंप्लेन वैसी आती है, और रिकॉल का पावर होगा, मतलब गुड्स आपने सोल्ड किया उसको आपको रिकॉल करवाने का पावर होगा, इसको रिफंड करवाने का पावर होगा, और पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये एक अथॉरिटी, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो प्रायोरिटी रहेगी, इनका इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर जो है उसको इन्फोर्स किया जा सके। रेगुलेट्स मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, आपका हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज अगर कोई कर रहा है, और साथ ही साथ एक जो इंपॉर्टेंट किया गया मिसलीड एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट जो मिसलीडिंग है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको रोका जा सकता है। पेनल्टी जो ग्रेडेड किया गया, पहली बार आपको इतना होगा, फिर से आप दोबारा करते हैं तो इतना होगा, ये चीज किया गया है। क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट क्या होता है आपको, कि अगर है ना ये कुछ लोग सभी लोगों को एक अलग अलग केस दायर करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग मिल के ग्रुप में एक केस कंपनी के अगेंस्ट में दायर कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो ये इसमें इससे क्या होगा कि जो लोगों को अलग अलग केस लड़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो आपका जो केस का कॉस्टिंग है आपका, या फिर एक जो केस जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाता है आपका। इतने लोग हमारे 100 लोगों के एक साथ अगर केस कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट में एक फॉल्ट पे लेकर के या उनका प्रोडक्ट लाइबिलिटी को लेकर के, तो उसमें डिसीजन एक आपके फेवर में होने के ज्यादा चांसेज होते हैं। तो क्लास एक्शन सूट को इंश्योर किया गया है इसमें, और पेनल्टी लगाने का जो प्रोविजन है वो आपको अप टू 10 लाख रुपीज तक वो पेनल्टी लगा सकती है अथॉरिटी, और इम्प्रीजमेंट का भी प्रोविजन किया गया है कि 2 साल तक की आपको सजा भी हो सकती है कंपनी को। और फॉल्स और मिसलीड एडवर्टीजमेंट, ये मिसलीड एडवर्टीजमेंट के लिए अगर वो करते हैं तो उसमें पेनल्टी के साथ साथ इम्प्रीजमेंट का भी प्रोविजन किया गया है। और ये इसमें जो 6 राइट्स बताए गए कंज्यूमर राइट्स इसमें बिल में, 6 राइट्स हैं। पहला आपका है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो हजार्डस है आपका, उसको ना उससे बचने के लिए उसको आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके मार्केटिंग से बचने के लिए है। टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये आपका जो आप जैसे अभी भी आप देखते हैं तो आपके जो खरीदते सामान उसमें लिखा रहता है आपका प्रोडक्ट क्या क्या है, इसमें क्या क्या क्वांटिटी है, कुछ क्या क्या इसमें डाला गया है, प्रिजर्वेटिव्स है कि नहीं है, तो इस चीज़ को और भी इन्हें स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। एश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एट कम्पिटेटिव प्राइसेस, कम्पिटेटिव प्राइसेज होना चाहिए, प्राइसेज आप ज़्यादा, ऐसे जीएसटी के बाद भी इसको करना, जो एंटी प्रॉफिटिंग लॉ लाया गया था तो उसको भी करता है कि कम्पिटेटिव प्राइसेज आपको मिले, सही प्राइसेज रहे। 6 रिड्रेसल, तो रिड्रेसल का भी प्रोविजन से हमने कहा अथॉरिटी जो बनाई गई है, तो ये सब चीज़ें इसमें डाला गया है कंज्यूमर राइट्स में। ऐसे हमने कहा पेनल्टीज है मिसलीड एडवर्टीजमेंट के लिए, CCPA जो आपको अथॉरिटी बनाया गया प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो इम्पोज कर सकती है पेनल्टी अप टू 10 लाख रुपीज, और अगर फिर से होता है, ये पहले केसेज में है, अगर वो फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज अगर होते हैं तो ये 50 लाख तक बढ़ सकता है, और पेनल्टी इम्प्रीजमेंट भी जो 5 साल तक हो सकता है। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट किया गया है मिसलीड एडवर्टीजमेंट से बचने के लिए, बचाने के लिए लोगों को। अब है ना जुडिक्शन, जब भी आप देखते हैं अभी भी स्टेट्स और स्टेट में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपका नेशनल लेवल पर कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो बनाया गया है, तो उसका जो है ये दायरा बढ़ा दिया गया। अभी पहले क्या था आपको जो लिमिट था फाइनेंशियल लिमिट वो कम थी, 1 लाख तक था, इसको बढ़ा दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो 1 करोड़ तक का जो आपका कंप्लेंट है वैल्यू ऑफ गुड्स को लेकर उसको देख सकता है। स्टेट भी जो कमीशन बनेगी वो कमीशन है उसका भी बढ़ा दिया गया लिमिट 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का, अगर वो वैल्यू है गुड्स का तो उसको देख सकती है स्टेट कमीशन, और जो सेंट्रल कमीशन नेशनल कमीशन है वो 10 करोड़ के ऊपर के वैल्यू को देखेगी। इस तरह से आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अपना मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन है आपका कंप्लेन है वो सुलझ जाएगा आपका। तो ये एक नया इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी इसमें बढ़ाई गई मैनुफैक्चर को रिकॉल करने का, लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैनुफैक्चर प्रोवाइडेड और सेलर का भी टू कम्पनसेट अ कंज्यूमर फॉर एनी हार्म
और इंजरी कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफिशिएंट सर्विसेज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है कि प्रोडक्ट की लायबिलिटी अभी तक नहीं थी, अभी लायबिलिटी दिया गया सेलर पर भी, जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी, और सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस के केस में, तो उस पर लायबिलिटी है कि आप अगर डिफेक्टिव सामान दे रहे हैं उसके कारण कुछ अगर हार्म होता कंज्यूमर को, तो आपकी जिम्मेदारी होगी उस सामान के आने ये कंपनसेट करने की। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसमें है, ये PIB से मैंने लिया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। ये आपका अटल इनोवेशन मिशन टू लॉन्च ए न्यू प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी इनोवेशन, ये कल प्रोग्राम लॉन्च होगा। इसमें ये क्या है कि पर्पस ऑफ द इनिशिएटिव टू मेक इनोवेशन इकोसिस्टम सोशली इंक्लूसिव, और सोशली इंक्लूसिव करने के लिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको और इक्विटेबल हो बाकी जगह पर भी जहाँ पर रूरल टायर टू टायर थ्री सिटीज के लिए ज्यादातर किया गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें स्ट्रेस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड रीजंस। तो जो अभी तक जो था ये पहले जो अटल इनोवेशन मिशन आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, तो उसमें क्या था लैब्स बनाए गए थे इकोसिस्टम इनोवेशन को सिस्टम को बढ़ाने का ये एक मिशन है। तो उसमें जो बेसिकली फोकस ये अभी कम्युनिटी इनोवेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि जो रीजन्स में सर्व नहीं है, जो रीजन्स अभी तक बाहर थे उसमें ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि जिसने लिखा है कि अंडरसर्व्ड रीजन ऑफ टायर वन सिटीज जो है उनके कुछ रीजन जहाँ पे नहीं था, टायर टू टायर सिटीज पे ज़्यादा फोकस है, स्मार्ट सिटीज पे फोकस रहेगा, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो है आपके हंड्रेड मोर देन हंड्रेड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट हैं आपके उस पे फोकस रहेगा, नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि जो जो रीजन जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट ये मैंने बताया अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ये जो बेसिकली नीति आयोग के अंदर आता है, नीति आयोग उसको एग्जीक्यूट करती है। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को डिजॉल्व होने के बाद बनाया गया था हटा के, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लेक्सी प्रोग्राम टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, इसको प्रमोट करता है ये स्कीम मिशन जो है आपका। ये क्या करता है कि वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब सेटअप करने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट जगह पे जहाँ पे लोग आप स्टूडेंट्स जो है या फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल ले सकते हैं, चैलेंजेस ये इंट्रोड्यूस करता है, चैलेंजेस कंडक्ट करवाते हैं नेशनल लेवल पर, स्टार्टअप बिजनेसेस को इन्वायरमेंट देता है इनोवेशन का, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। तो इस चीज़ में ये मिशन जो काम करता है नीति आयोग का, इसका मेनली दो कोर फंक्शन है। एक आपने सुना सेतु करके स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, इसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और बढ़े, उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर एरिया बेसिकली सपोर्टेड एंड मेंटर्ड, सपोर्ट किया जाएगा उनको, और मेंटरिंग मतलब कि जो मान लीजिए और गवर्नमेंट के थ्रू मेंटर होगा या फिर जो ऑलरेडी इनोवेशन बिजनेस में है या जो ऑलरेडी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स है उनके द्वारा मेंटरिंग होगी, तो वो क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुली कर पाए, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ आपको सीखना है वो सिखाने के लिए किया गया है। और दूसरा जो इसका मेन है इनोवेशन प्लेटफॉर्म, कि वहाँ पे जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज आर जनरेटेड, मतलब कि जो इनोवेशन लैब्स बनाए गए हैं काफ़ी जगह, तो उस चीज़ को भी प्रमोट करता है ये स्कीम। तो बेसिकली दो फंक्शन है इसका, इसके अंदर आपका अटल टिंकरिंग लैब्स भी है बनाए गए हैं जो नीति आयोग ने, वो भी इसी के अंदर आता है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में। नेक्स्ट जो ये करना आया कल जो है ना आपका ये ट्रिपल तलाक बिल जो पास हुआ है, ट्रिपल तलाक बिल उसके बारे में था इसमें PIB के थ्रू, जेंडर जस्टिस इकोनॉमी एंड विल फर्दर इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो ये बिल का जो मेन फॉर्मल नेम है जो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, ये दोनों लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, कल राज्यसभा से पास हो गया, तो उसके बाद ये बिल जब एक्ट हो कि अब इसको है ना प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक्ट हो जाएगा आपका। तो इसी के बारे में ना ये PM ने मैसेज किया था उसी PIB में। तो इस आर्टिकल के बारे, इस बिल के बारे में डिटेल में एक आर्टिकल किया हुआ है, वीडियो लेक्चर है, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे सकते हैं इसको, तो जरूर उस पर जाएं और उसको देखें ट्रिपल तलाक भी क्या है, कॉन्जुगेशन ऑफेंसेस क्या है, उसमें क्या क्या पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है, तो वो सारा डिटेल बताया मैंने। अगला हम आते हैं 5G को लेकर, चाइना 5G पर कैसे स्पेंड ज़्यादा कर रहा है, उस पर आगे बढ़ना चाह रहा है। तो चाइना बेट्स बिग ऑन 5G टू स्पेंड $115 billion इन 6 years। तो 5G बेसिकली क्या है आपका, ऑफर्स फास्टर डेटा रेट्स, रिड्यूस लेटेंसी, एनर्जी सेविंग्स, कॉस्ट रिडक्शंस, हायर सिस्टम कैपेसिटी एंड मासिव डिवाइस कनेक्टिविटी, ये सारे जो है 5G के बेनिफिट्स हैं। इंडिया ने भी पेपर लाया, आप जरूर देखें, आपको DOT के वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आप गूगल कर सकते हैं। इंडिया ने एक कमिटी बनाई है, कमिटी है जिसमें कि 5G पे उन्होंने अपना पेपर रखा था, क्या है कैसे 5G हम अचीव करेंगे, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होगा, टेस्ट बेड भी क्रिएट हुए कहीं पर, तो उस चीज़ को आप देखें उसमें पढ़ें, ताकि ना आपको 5G से अगर कुछ आता है टेक्नोलॉजी का, आप है ना 5G का क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसको आप जान सकें।
ये एवरी डिवाइस इवन ऑन योर क्लॉक ऑन द वॉल कुड बी बिकम इंटरनेट कनेक्टेड. तो 5G बेसिकली के आपका मशीन टू मशीन लर्निंग है, मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी है, इंटरनेट ऑन IoT का जो है आपका, इसको यूज करके ये मशीन टू मशीन लर्निंग का बेसिकली ये इसमें है 5G में, कैसे एक मशीन से आप दूसरे मशीन कनेक्ट कर सकते हैं और मशीन अपने आप में जो लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करके मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, 5G का काफ़ी बेनिफिट है. बिग डेटा जो है आपका, जैसे आप सुन रहे हैं, बिग डेटा को डिलीवर करने के लिए 5G चाहिए आपको. सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी में 5G का? तो ये जो US डिपार्टमेंट का जो एक रिसर्च है उसमें दिया गया है कि लीडर ऑफ 5G स्टैंड्स टू गेन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट डिकेड विथ वाइड स्प्रेड जॉब क्रिएशन अक्रॉस वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर. तो ये बेनिफिट है 5G का, अगर जो देश मान लीजिए 5G ज़्यादा इंप्लीमेंट करता है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेगा, तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बेनिफिट होगा इकोनॉमी को. उससे क्यों होगा? क्योंकि जॉब्स भी क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी आप अच्छे लाएंगे तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कर सकते हैं आप. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका ड्राइवरलेस कार है, आपका ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, हाउस मेंटेनेंस हो गया, आपका बहुत कुछ है इसमें. जैसे यहाँ मैंने देखा कि एनर्जी सेविंग्स आप कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट रिडक्शन होगा, आपका सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी. तो ये बेनिफिट्स है 5G के. एक कंसर्न जो प्राइवेसी का कंसर्न है कि आप है ना सर्विलेंस जो आपका है, सिचुएशन सर्विलेंस, वो आप कर सकते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट रिस्ट वॉच, स्मार्ट लॉक्स, ड्रोन्स, इसके थ्रू एक प्राइवेसी का कंसर्न है बेसिकली. बट इतना ये नहीं है इंपॉर्टेंट. बेसिकली हमने दिखाना चाहिए 5G का क्या क्या बेनिफिट है. ये मैंने चार्ट दिया है कि 10,000 गुना ज़्यादा ट्रैफिक कैरी कर सकता है आपका, 10 से 100 गुना ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं 5G में, जो 4G का कंपेरिजन में, 4G वर्सेज मैं कह रहा हूँ, 4G वर्सेज 5G. तो और ये जो लेटेंसी है, मतलब कितने दिन में आपका जो ट्रांसमिशन होगा वो 1 मिली सेकेंड से भी कम है आपका, तो काफ़ी कम लेटेंसी हो गई है आपकी. M2M अल्ट्रा लो कॉस्ट मशीन टू मशीन जो है वो लर्निंग जो है आपका इस बहुत ही कम कॉस्ट में होगा. डेटा रेट जो है अभी आपका 1 GBPS अप्रॉक्स समझ लीजिए आप, GBPS है. 4G में अप्रॉक्स लेस देन 1 GBPS होता है, बट हमें जो मिलता है वो जनरली अप्रॉक्स 200 MBPS का है जो टिपिकल डेटा रेट है. और 100 MBPS आपका लो इन डेटा रेट्स है, अल्ट्रा रिलायबिलिटी है. तो ये 5G की जो है बेनिफिट जो हमने देखा अभी, एनर्जी कैपेसिटी को लेकर, कैपेसिटी इन्हेंस हो जाता है आपका, लेटेंसी बहुत कम हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन है आपका, कॉस्ट आपका कंज्यूम हो गया, डेटा रेट आपको अच्छा मिल रहा है. तो ये बेनिफिट है 5G का. आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं 4G वर्सेस 5G कंपेरिजन करने में, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसमें आप जरूरी है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा ये. नेक्स्ट एक जो इंडियन स्पेस में न्यूज आया है, TOI 270 न्यू प्लेनेटरी सिस्टम अबाउट 73 light years अवे फ्रॉम द अर्थ. जो नया प्लेनेटरी सिस्टम खोजा है नासा के द्वारा, नासा ने खोजा है, तो उसके बारे में ये TOI 270 जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट का स्टार का नाम है. एंड द प्लेनेटरी सिस्टम रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासाज ट्रांजिटिंग एस्टियोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट. ये सैटेलाइट नासा का जो है उसने डिस्कवर किया इस ड्वार्फ स्टार और प्लेनेटरी सिस्टम को. इसके जो मेंबर्स हैं वो ड्वार्फ स्टार्स हैं 40% स्मॉलर देन द सन, 40% सन से छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मास. और थ्री प्लैनेट्स और एक्सोप्लैनेट्स हैं. एक्सोप्लैनेट हम किसे कहते हैं? जो भी आउटसाइड है सोलर सिस्टम को, उसमें एक्सोप्लैनेट कहते हैं. ये आप ऐसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प कर सकता है एक्सोप्लैनेट क्या होता है. और इसका जो एक्सोप्लैनेट का नाम आपका TOI 270 B है, सी है, डी है. तो ये बेसिकली सिस्टम है TOI 270, इसको इन्होंने अभी खोजा है, उसी के बारे में आर्टिकल है. और ये जो आपका ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जो नासा का, ये बेसिकली क्या है कि सर्च फॉर, इसका काम है सर्च फॉर प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम. इसका यही काम है कि आप वो प्लैनेट को सर्च करें जो सोलर सिस्टम से आउटसाइड, मतलब कि एक्सोप्लैनेट जो है उसको सर्च करने का इसका काम है, TESS जो सैटेलाइट है नासा का, इसी ने अभी ये खोज किया है. तो ये आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट, सब्जेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हैं कि TOI 270 क्या है ये पूछा सकता है, या फिर ये TESS क्या है ये आप पूछा सकता है, इसको आप याद कर लें. नेक्स्ट जो है अभी आपका जो ये 10% जो EWS कोटा गवर्नमेंट ने पिछले अमेंडमेंट बिल ला के लाया था उसके रिलेटेड है. टू मच कोटा में इंपैक्ट राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया है. अब इसका हियरिंग हुई थी, बेंच जो बेसिकली ये देख रहा है कि क्या ये इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना है या नहीं भेजना है. ये है बेसिकली चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग 10%
10% इकोनॉमिक कोटा जो भी गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, पास हुआ था इलेक्शन के जस्ट पहले, उसको लेकर के है, वेदर टू रेफर टू कंस्टिट्यूशनल बेंच, इसको कंस्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाए या नहीं किया जाए इस पे हियरिंग चल रही है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सेसिव कोटा में इम्पैक्ट राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ज्यादा कोटा होने के कारण एक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्पैक्ट करता है ये चीज, और रिजर्वेशन इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शन, रिजर्वेशन इज इंटेंडेड टू अचीव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो रिजर्वेशन का मेन इंटेंशन क्या है कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी को अचीव करना, और ज्यादा कोटा हम देंगे हो सकता है उसी को वो इम्पैक्ट करे। तो ये इंदिरा साहनी केस है इसी को लेकर हुआ है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये नौ जज का बेंच था जिसमें मेजोरिटी जजमेंट से क्या कहा गया था कि बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। मतलब बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन जो दे रहे हैं किसी को, आप बोल रहे हैं बैकवर्ड क्लास, मतलब कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ये नहीं हो सकता है, ये कहना था इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। इंदिरा साहनी केस जब मंडल केस हुआ था उसमें ये कहना था कि सिर्फ आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस पे आप नहीं दे सकते हैं, इट मे बी कंसिडरेशन और बेसिस अलॉन्ग विथ, ये देखिए आप अलॉन्ग विथ एंड एडिशन टू सोशल बैकवर्डनेस, तो सोशल बैकवर्डनेस जो है वो बेसिक एम होगा, इसके साथ आप इकोनॉमिक कर सकते हैं, यानी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट जो आपका है 15 एंड 16, इसमें रिजर्वेशन का है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ 15 में, 16 में आपको गवर्नमेंट जॉब्स में है। मैंने वीडियो भी किया है उसमें डिटेल बताया 15 और 16 के बारे में, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी लिंक है, आप देख सकते हैं। तो 15 और 16 में जो है सोशली बताया जो बैकवर्ड क्लास क्या है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इस चीज में आप सोशल भी होना जरूरी है, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, यही इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। बट इट कैन नेवर बी द सोल क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नेवर बी द सोल क्राइटेरिया, इसी को चैलेंज किया गया है, क्योंकि ये जो 10% है ये बेसिकली इकोनॉमिक क्राइटेरिया को सोल क्राइटेरिया बना के किया जा रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन आप दे रहे हैं। ये जो आपका एक्ट था ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो था आर्टिकल 15 और 16 से मैंने बताया उसको अमेंड करता है कि 10% रिजर्वेशन, इकोनॉमिक रिजर्वेशन इज ओवर एंड अबव 50% रिजर्वेशन कैप, 50% का कैप किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर 10% दिया जा रहा है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेसिस पर। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही, आर्गुमेंट था इस जजमेंट में कि 10% इकोनॉमिक कोटा लॉ एज ए मूव टुवर्ड्स क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, तो क्लासलेस सोसाइटी के लिए भी ये मूव है कि क्लासलेस सोसाइटी रहे, और बेनिफिट अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़ पीपल हु आर मोस्टली लोअर मिडिल क्लास एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको बेनिफिट देता है ये जो कि लोअर मिडिल क्लास है लेकिन जो अपर कास्ट में आते हैं, अपर कास्ट में लोअर मिडिल क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए बनाया गया है। तो ये गवर्नमेंट का आर्गूमेंट था सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं आगे इसमें इसको कंस्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जाता है नहीं किया जाता है, या फिर रेफर कर दिया जाता है उनका जजमेंट क्या होता है, इसको ये वैलिड मानेगी या नहीं मानेगी, तो इस पे आगे का है। तो बेसिकली आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं ये कि क्या है अमेंडमेंट, इसको आप देख सकते हैं इंदिरा साहनी केस क्या था। नेक्स्ट जो एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया आपका, व्हाट इज धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इसके बारे में आया। इसमें सीईओ अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ, उन्होंने कहा कि धोला एज ए फर्स्ट ग्रीन सिटी इन द वर्ल्ड, इसको उसका आइडिया उन्होंने डाला है कि फर्स्ट ग्रीन सिटी बनाया जाए इसको धोलेरा को। ये जो धोलेरा है आपका रीजन वन ऑफ द सेवरल ग्रीन फील्ड सिटीज जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी सिटीज को डेवलप किया गया इंडस्ट्रियल सिटीज को कॉरिडोर के अलॉन्ग में, उसी में से एक ये भी है धोलेरा। ये जनरली अभी जो है आपका 100 किलोमीटर है साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद के गुजरात में है, और ये है ना अहमदाबाद से कनेक्टेड किया जाएगा 6 लेन एक्सप्रेसवे से। और इसमें स्पेशल क्या है धोलेरा के लिए, ये जो है सिंगापुर से भी बड़ा है, माना जा रहा है सिंगापुर से भी बड़ा है, तो इसको कैसे ग्रीन सिटी के डेवलप करें, एस्टिमेटेड 920 स्क्वायर किलोमीटर्स इनकम्पासिंग 22 विलेजेस ऑफ अहमदाबाद तालुका एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन अहमदाबाद वडोदरा एंड भावनगर। तो लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसी को धोलेरा जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को फर्स्ट ग्रीन सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। आप इसका लोकेशन याद कर सकते हैं धोलेरा कहाँ पर है, आपको सत्ता ऑब्जेक्टिव में आ जाए मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं मैप से कि कहाँ पर धोलेरा है, कहाँ है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ही है, लेकिन ये गुजरात में ज़्यादातर ये टर्म यूज होता है गुजरात के लिए,
गुजरात में वहाँ पर अलग एक्ट बनाया गया था, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इक्वल टू स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन हो गया। अब हम आते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है भाई, ये जो आपको बेसिकली दादरी जो है, दादरी दिल्ली के बगल में, इसको जोड़ता है आपको सॉरी इसको जोड़ता है आपको मुंबई पोर्ट से। मुंबई पोर्ट जो आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उससे जोड़ता है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लांट एज ए हाई टेक इंडस्ट्रियल जोन स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स के से ये गुजरेगा। तो ये 6 स्टेट से गुजर के है दिल्ली से भी, 24 इंडस्ट्रियल रीजन है इसमें, 8 स्मार्ट सिटीज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो बहुत सारा कुछ है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका आप लोकेशन ये देख सकते हैं मैप में, यहाँ दादरी से स्टार्ट होकर ये दिल्ली, यहाँ पे आपका राजस्थान भी क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे आपका ना गुजरात आ गया आपका, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपका मुंबई पोर्ट, उसको यहाँ वहाँ पे एंड होता है ये। तो फ्रेंड्स ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ना आज के न्यूज के लिए थे, हो सकता है आप ये कुछ आपको आर्टिकल अच्छा लगे, अगर और कुछ आर्टिकल मिस हो गया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूले चैनल को, ताकि आप कोई भी एडिटोरियल या फिर न्यूज चैनल जो मिस नहीं करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक पेज है मेरा, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।